नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। राजस्थान के अतीत से जुड़ी मर्डर की एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस है, जिसके किरदार रसूखदार है, जिसमें अनगिनत सवाल है, जिसमें सियासत का एक ऐसा पहलू शामिल है जो शर्मसार करता है। ये कहानी देश ने सीबीआई की जुबानी सुनी है। ये कहानी है एक नर्स के राजनीति में पहुंच बनाने से लेकर उसके मर्डर की। ये कहानी है आरोपियों की 10 साल में हुई जमानत की। ये कहानी है भवरी देवी की। भवरी देवी, ये वो नाम है जो राजस्थान की राजनीति में अभूतपूर्व भूचाल लेकर आया। एक बार फिर भवरी देवी सुर्खियों में है, क्योंकि जिन पर उनके मर्डर का इल्जाम है उन्हें 10 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए आखिरकार जमानत दे ही दी। इस कहानी का एक एक पन्ना खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जमानत की होगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देने वाले भंवरी देवी हत्याकांड में मंगलवार को हाईकोर्ट ने 7 लोगों को जमानत दी। इस तरह इस मामले में अब तक 17 में से 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भंवरी देवी मर्डर केस में 7 लोगों को जमानत दी। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को मिली जमानत, भंवरी के पति अमरचंद को भी मिली जमानत, सोहनलाल, कैलाश जाखड़, शहाबुद्दीन को जमानत मिली, कुंभाराम और विष्णाराम को भी जमानत दी गई। ये सभी करीब 10 साल से जेल में बंद थे। केस में 17 लोगों में से अब तक कुल 16 को जमानत मिली। पूर्व विधायक मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई ही जेल में बंद। मामले में आरोपी महिपाल मदेरणा को इलाज के लिए हाईकोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका था। मंगलवार को जज दिनेश मेहता ने उनकी नियमित जमानत स्वीकार कर ली। भंवरी के पति अमरचंद को भी मंगलवार को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ग्राउंड पर सुनाया। दरअसल भंवरी प्रकरण में सबसे पहले पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम सिंह विश्नोई के बेटे परसराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि यह मामला जघन्य है, लेकिन ट्रायल में विलंब के आधार पर किसी को सालों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी फैसले के आधार पर अन्य आरोपियों ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने बारी बारी से सभी को जमानत दे दी। दरअसल सभी आरोपियों पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। आरोप क्या हैं, जरा इस पर नजर डालिए तो मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा को बनाया गया था। उन पर भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। सोहनलाल, शहाबुद्दीन, कुंभाराम पर भंवरी के अपहरण और मर्डर का आरोप है। भंवरी के पति अमरचंद पर किडनैप और मर्डर की साजिश में शामिल होने का आरोप है। गैंगस्टर विष्णाराम और कैलाश जाखड़ पर सबूत मिटाने का आरोप है। आरोप है कि भंवरी के शव को जलाकर इन्होंने उसकी राख को नहर में बहा दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अवशेष राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहाए। सवाल यह है कि जिस मामले में 17 में से मुख्य आरोपी समेत 16 लोगों को जमानत दे दी गई, उसमें एक जेल में अभी तक क्यों है। भंवरी प्रकरण में गिरफ्तार कुल 17 आरोपियों में से 16 को जमानत मिल चुकी है। अब सिर्फ इंदिरा बिश्नोई ही जेल में रह गई है। दरअसल अन्य सभी आरोपी करीब 10 साल तक जेल में रहे, लेकिन इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद इंदिरा फरार हो गई थी। सीबीआई उससे पूछताछ कर चुकी थी। कई साल तक इंदिरा पकड़ में नहीं आई। 4 साल पहले पुलिस ने उसे उज्जैन के नजदीक शिप्रा नदी के तट पर पकड़ा था और तभी से वो जेल में है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने अनुमति लेकर मंगलवार को केस लिस्ट करवाया। पहले से ही आरोपी कैलाश जाखड़, विष्णाराम और अमरचंद की याचिकाएं सूचीबद्ध थी। इसके साथ ही सोहनलाल, शहाबुद्दीन और बलिया उर्फ बलदेव की ओर से भी मंगलवार को अनुमति लेकर केस लिस्ट करवाया गया। ऐसे में सभी की जमानत याचिकाओं पर उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी, नील कमल बोहरा, प्रदीप सिंह चौधरी, गोकुलेश बोहरा, यशपाल खिलेरी, बीरबल बिश्नोई ने पक्ष रखा। जस्टिस दिनेश मेहता ने लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली। कानून की किताब में शक और संदेह दो ऐसे शब्द बने हैं जिसके बिना पर सलाखों के पीछे भी ले जाया जा सकता है। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने सिर्फ तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा पर शक जाहिर किया था, मगर वो शक जिस तरीके से महिपाल मदेरणा की परेशानी का सबब बन गया,
उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। फिलहाल तो जमानत हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में देखें तो एक कड़ी यानी इंदिरा बिश्नोई की जमानत अभी नहीं हुई है। कहते हैं कि इंदिरा का इससे भारी कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन है, बड़ा रोल है। वो क्या रोल है, अदालत का जब फैसला आएगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इस हाई प्रोफाइल मामले पर एक बार फिर सभी की निगाहें टिक गई है। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। बहुचर्चित भवरी देवी प्रकरण में पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई को हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को जमानत पर रिहा किया था। इस केस की अहम बात यह है कि मलखान के पुत्र संजय विश्नोई ने बतौर अधिवक्ता हाईकोर्ट के समक्ष उनकी पैरवी की। हालांकि हाईकोर्ट ने 3 बार जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन पुत्र ने हार नहीं मानी और आखिरकार 8 साल के संघर्ष करने के बाद अपने पिता को हाईकोर्ट से जमानत दिलाने में सफल रहे। ये रिपोर्ट देखिए। भंवरी देवी मामले में पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई अब सलाखों के बाहर हैं। 9 साल 8 महीने के लंबे वक्त तक वो जेल में रहे। पूर्व विधायक को बाहर लाने का क्रेडिट जाता है उनके बेटे को। वो बेटा जो 10 साल पहले दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जी हाँ, पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई के बेटे संजय विश्नोई ने दिल्ली को छोड़ा और जोधपुर आ गए। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। 2013 में वो इस मामले में अपने पिता मलखान सिंह, चाचा परसराम और बुआ इंदिरा विश्नोई के वकील बने। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन संजय हार नहीं माने और आखिरकार अपने पिता को सलाखों से बाहर निकालने में कामयाब हुए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बिंदु जो सीबीआई ने दिए थे वो ये थे कि ट्रायल अपनी पूर्ण करने की स्थिति की तरफ है, परंतु हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में साबित किया कि ट्रायल पिछले 10 वर्षों से कम्प्लीट नहीं हुई है और ना आगे होने वाली है। ये तर्क बार बार जो दे रहे हैं वो सही नहीं है। उस तर्क के समर्थन में हमने ये भी दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कस्टडी के आधार पर कई बार जमानत प्रदान की है, तो उसी को आधार मानते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता और आप ट्रायल के नाम पर किसी को इतने दिन तक जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकते। अपने पिता के पैरोकार बने संजय ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष मजबूत दलीलें पेश की। हालांकि सीबीआई ने तर्क दिया था कि ट्रायल अंतिम स्टेज पर है, इसलिए मलखान सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन बेटे संजय की दलील थी कि जमानत देते समय ट्रायल की कोई अहमियत नहीं है, जमानत देने से इस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण सहित कई कानूनी नजीर पेश की और हाईकोर्ट ने उनके तर्कों के आधार पर उनके पिता मलखान सिंह को जमानत दे दी। हमने देखा है एक बेटे की जिद को। मैं भी 2006 से वकालत कर रहा हूं। जब संजय भैया करीबन 2012-13 में मलखान सिंह जी एमएलए साहब का केस हुआ था, तब इन्होंने कोर्ट आ रहे थे, मेरे ऑफिस में ही इनकी फाइल थी। लेकिन एक बेटे की जिद, और उस जिद को पूर्ण होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। हर बार हर पेशी पे इनका आना, छोटी से छोटी एप्लीकेशन खुद के द्वारा पेश करना और अपने सीनियर नहीं आते तो खुद बहस करते थे, और उसी बहस और उसी जिद का नतीजा है कि आज माननीय पूर्व विधायक मलखान सिंह जी विश्नोई की जमानत हुई है। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2011 को महिपाल मदिरणा से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले में कांग्रेस विधायक मलखान का भी नाम आया, उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में 15 और गिरफ्तारियां भी हुई थी। भौरी प्रकरण का मामला दर्ज हुआ था तब 1 सितंबर 2011 तारीख थी। उस समय संजय दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अपने पिता का नाम इस केस में शामिल पाया, उन्होंने वकालत करने की ठानी और लगातार 8 साल पैरवी करने के बाद अपने पिता को जमानत पर घर ले आए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनीष व्यास, जोधपुर। राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देने वाले बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार सुर्खियां कुछ अलग है। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाले परसराम मदेना के पुत्र पूर्व मंत्री महिपाल मदेना और राम सिंह विश्नोई के पुत्र पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई अन्य आरोपियों के साथ बाहर आ गए हैं। लिहाजा कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मारवाड़ की राजनीति अब कैसी होगी। संवाददाता राजीव गोड़ की रिपोर्ट देखिए। मारवाड़ की राजनीति में अपने अनुभवों की वजह से अलग पहचान रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता परसराम मदेरणा, राम सिंह विश्नोई और खेत सिंह राठौड़ जैसे दिग्गजों की सक्रियता के बीच
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति को अपनी मेहनत और साधारण से कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ाते हुए चमकाया। केवल अपनी राजनीति को चमकाया ही नहीं, बल्कि इन तीनों राजनीतिक घरानों को हमेशा अपने साथ रखा। बहुचर्चित भंवरी देवी के अपहरण हत्या मामले में तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई का नाम आ गया, मगर सीएम गहलोत ने इन परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। पहले चुनाव में महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं राम सिंह विश्नोई की पत्नी अमरी देवी को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि दोनों ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद में हुए चुनाव में फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनापन दिखाते हुए महिपाल मदेरणा की पुत्री दिव्या मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई के पुत्र महेंद्र विश्नोई को टिकट दिया। आज दोनों अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मदेरणा और विश्नोई परिवार की राजनीति को जिंदा रखना और इन घरानों को हमेशा सहयोग करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सकारात्मक सोच को जाहिर करता है। जेल से छूटने के बाद मलखान सिंह विश्नोई और उनके छोटे भाई परसराम विश्नोई ने पंचायत राज चुनाव में जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है और मलखान सिंह विश्नोई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए खुशी जाहिर की है। ऐसी ही लंबी सड़कों से गुजरते हुए राजस्थान की राजनीति के नायक कहे जाने वाले तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व विधायक मलखान सिंह गुजरे थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि भंवरी देवी जैसे मामले ने कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर प्रभावित कर दिया, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ नहीं छोड़ा। सरकार उनकी थी, लिहाजा वापस जब चुनाव हुए तो महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा को चुनाव मैदान में उतारा गया, मलखान सिंह की माँ यानी राम सिंह विश्नोई की पत्नी अमरी देवी को चुनाव मैदान में उतारा गया। और दूसरी बार जब मौका आया तो महिपाल मदेरणा के पुत्र पुत्री दिव्या मदेरणा को और मलखान सिंह विश्नोई के पुत्र महेंद्र विश्नोई को उतारा गया। यानी कि इस राजनीतिक घराने की जो साख और पैठ पॉलिटिकल थी उसको जिंदा रखा गया। पॉलिटिकल प्रेशर अब क्या पड़ेगा और प्रभाव क्या आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो दोनों घराने रहे हैं उनका अपना पॉलिटिकल बड़ा मामला रहा है, चाहे बात परसा मदेरणा की करें या फिर राम सिंह विश्नोई की। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं आज भी इनकी इशारे पर प्रभावित होते आए हैं। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट न्यूज, जोधपुर। बहुचर्चित भंवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में केवल शक के आधार पर तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई, जबकि इस मामले में शहाबुद्दीन कुंभाराम बिश्नाराम और कैलाश जाखड़ पर अपहरण व हत्या का आरोप लगा और गिरफ्तारी हुई। इस मामले में सिर्फ एक आरोपी इंदिरा बिश्नोई की जमानत शेष रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस में दर्ज मामले के अलावा सीबीआई के तथ्यों के मुताबिक मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा को बनाया गया। उन पर भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। शहाबुद्दीन और कुंभाराम पर भंवरी का अपहरण कर उसकी हत्या का आरोप है। उसके पति अमरचंद पर अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल रहने का आरोप है। गैंगस्टर विश्नाराम और कैलाश जाखड़ पर भंवरी के शव को जलाकर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहाने का आरोप है। गौरतलब है कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाने में अमरचंद नाम के एक व्यक्ति ने 1 सितंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी एएनएम भंवरी देवी लापता है। उसने अपनी पत्नी के अपहरण की आशंका जताते हुए तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 2-3 लोगों पर शक जाहिर किया। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। मामले की जाँच कुछ आगे बढ़ती, इस बीच राज्य सरकार ने बढ़ते विरोध को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2011 को महिपाल मदेरणा से पूछताछ की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इस मामले में कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का नाम भी आया, उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में 15 अन्य गिरफ्तारियां भी हुईं। इसके बाद से महिपाल और मलखान अभी तक जेल में ही थे। सीबीआई का दावा है कि भंवरी देवी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, बाद में शव को जलाकर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा दिया गया। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण में कुल 17 आरोपियों में से 16 को जमानत मिल चुकी है। इंदिरा बिश्नोई जेल में हैं। सभी आरोपी करीब 10 साल तक जेल में रहे हैं। बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल भंवरी देवी के अपहरण हत्या मामले ने जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश की निगाहें अपनी ओर बनाए रखी, वह हालत आज भी है। जब 17 में से 16 आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अब हाईकोर्ट से हो गई है, तो उसके बाद में तस्वीर साफ है। और तस्वीर इसलिए भी साफ है क्योंकि
अब तो अदालत का फैसला ही आना रहेगा। उस वक्त आरोपियों को जो भी नियम होते हैं उसके तहत अदालत में जाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले की जड़ों की बात करें तो सबसे बड़ी बात रही कि दिव्या मदेरना महिपाल मदेरने के बेटे के रूप में साथ खड़ी रही, चाहे तकलीफ हो बीमारी की, चाहे तकलीफ हो अकेलेपन की, और चाहे किसी प्रकार का दिशा निर्देश लेना हो, विचारों की व्यक्ति हो या कोई बड़ा स्टेप उठाना हो, हमेशा अपने पिता के सानिध्य पाती रही। बात करें मलखान सिंह के पुत्र संजय की, अपने पिता के लिए केस लड़ा, अदालत में गया, छोटी अदालत बड़ी अदालत, और वह खुद वहाँ पर जिस तरीके से खड़े रहे, तो ऐसे में ये एक बड़ी बात साबित होती है, अपने हमेशा अपनों के साथ खड़े रहे हैं। ये दो जो पहलू हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक बड़ा पहलू भी है कि देखते ही देखते दिव्या मदेरना विधायक बन गई, और उधर मलखान सिंह बिश्नोई के पुत्र महेंद्र बिश्नोई भी विधायक बन गए। सुखमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। आखिर कौन थी भंवरी, कैसे उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे सियासी गलियों में पहुंचाया, कैसे ब्लैकमेलिंग के गेम ने उसकी जान ले ली, क्या था भंवरी की सीढ़ी का राज, अपहरण से लेकर हत्या तक कितने थे क्राइम के किरदार, आपके हर सवाल का जवाब सीबीआई की क्राइम फाइल में दर्ज है। इस फाइल का एक एक पन्ना खुलेगा इस रिपोर्ट में। देवी हत्याकांड में आरोपियों की जमानत के बाद वो सिहरन पैदा करने वाली कहानी फिर चर्चा में है। ये कहानी शुरू हुई भंवरी और मलखान के प्रेम प्रसंग से। ये अफेयर लंबा चला, लेकिन इसमें महिपाल मदेरना की एंट्री के बाद मामला बिगड़ गया। कौन थी भंवरी और कैसे हुई उसकी दर्दनाक मौत, ये कहानी राजस्थान के अतीत में दर्ज है। भंवरी देवी जोधपुर के पास एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। भंवरी राजस्थानी लोकगीतों के एल्बम में काम करती थी। एक्टिंग की वजह से अक्सर शहर से बाहर रहती थी। ड्यूटी से नदारद रहने की वजह से विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया। वो स्थानीय विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से मिलने गई। मलखान सिंह से उसकी नजदीकी हो गई। मलखान ने एक दिन उसकी मुलाकात महिपाल मदेरना से करवाई। इसके बाद भंवरी की नौकरी दोबारा बहाल हो गई, उसे गांव के नजदीक पोस्टिंग मिल गई। इस दौरान भंवरी देवी की मलखान और महिपाल से नजदीकियां हो गई। फिर क्या था, भंवरी देवी की सियासी गलियारों में जान पहचान बढ़ गई। उसके अंदर एमएलए बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी। मारवाड़ के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई के पुत्र मलखान से दोस्ती ने भंवरी में भी राजनीति में एंट्री की इच्छा पैदा की। भंवरी प्रेम प्रसंग की आड़ में मलखान पर दबाव बढ़ा रही थी, तो शादीशुदा मलखान उससे समझौता कर पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। जब मलखान भंवरी से कन्नी काटने लगे तो उसने उनकी फजीहत करना शुरू कर दिया। भंवरी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इससे परेशान मलखान ने अपने भाई और बहन इंदिरा को भंवरी को शांत कराने का काम सौंपा। इसके बाद कुछ दिनों तक मामला शांत रहा। मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई भंवरी की काफी करीबी दोस्त थी। उन्होंने भंवरी के गुस्से को महिपाल मदेरना की तरफ मोड़ दिया और उसे मदेरना के साथ अंतरंग पलों को रिकॉर्ड करने के लिए कहा। बताया जाता है कि इस सीडी के जरिए भंवरी ने मदेरना को ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख में सौदा किया था। भंवरी ने अगस्त 2011 में अपनी कार बेची थी। उसी कार का बकाया 4 लाख रुपया देने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल नाम के शख्स का उसे फोन आया। उसने भंवरी को फोन कर अपने घर बुलाया। भंवरी उसी दिन पैसे लेने के लिए घर से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। शुरू में घर वालों ने हर तरफ भंवरी की तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी बीवी की गुमशुदगी के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरना को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बेहद पेचीदा मामले को सुलझाने में जब पुलिस नाकाम रही तो केस सीबीआई को सौंपा गया। मामला ज्यादा बढ़ा तो महिपाल मदेरना को इस्तीफा देना पड़ा। भंवरी पर आरोप लगाया गया था कि उसने सीडी के लिए लाखों रुपए में दोनों से सौदा किया था। भंवरी देवी के मर्डर और उसके पीछे की कहानी 126 दिन बाद सीबीआई की जांच में सामने आई। गुमशुदगी के ठीक 126 दिन बाद पता चला कि नर्स भंवरी देवी मर चुकी है। सीबीआई की थ्योरी के मुताबिक भंवरी से कार खरीदने वाला सोहनलाल बिश्नोई विधायक मलखान सिंह का भांजा था। उसी ने भंवरी देवी को फोन कर बताया था कि सीडी के बदले 60 लाख रुपए लेने उसे बिलाड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन रुपए उसे तभी मिलेंगे जब राजू भाई सीडी की असलियत परख लेंगे। 1 सितंबर को भंवरी बस से बिलाड़ा गई। वहां एक बुलेरो जीप में राजू और उसका एक साथी भंवरी का इंतजार कर रहे थे। ये राजू कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का खूंखार अपराधी शहाबुद्दीन था, जो राजू बनकर सीडी का सौदा करने आया था। भंवरी अब सोहनलाल और शहाबुद्दीन के बुने जाल में फंस चुकी थी। राजू ने गाड़ी के सीडी प्लेयर में 52 मिनट की पूरी फिल्म देखी। इस दौरान जीप लगातार सड़क पर फर्राटे भरती रही। जीप के पीछे सोहनलाल एक स्विफ्ट कार में चल रहा था ताकि भंवरी को किसी तरह का शक न हो। शाम होते ही भंवरी ने शहाबुद्दीन से पैसे मांगे
लेकिन राजू के आनाकानी करने पर भंवरी को शक हो गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देखकर सोहनलाल भी बुलेरो के अंदर गया और तीनों ने भंवरी को जीप की सीट के नीचे लिटा दिया और जूतों से रौंदकर भंवरी को मौत के घाट उतार दिया। इस साजिश के बीच की कड़ी था सहीराम। वो मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा का खास गुर्गा था जो जोधपुर के ज्योति नगर इलाके से कत्ल के इस प्लान को मॉनिटर कर रहा था। भंवरी के कत्ल के बाद उसने सोहनलाल को हुक्म दिया कि भंवरी की लाश जलोड़ा के अपराधी विष्णाराम को सौंप दी जाए। लिहाजा सोहनलाल ने पीपाड़ इलाके में लाश विष्णाराम बिश्नोई के हवाले कर दी। अब बारी थी भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने की, लिहाजा विष्णाराम लाश को जलोड़ा के जंगल में नहरी पुलिया पर ले गया और वहीं लाश को जला दिया। जब जब भंवरी का जिक्र आएगा तब तब इस नहर का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने जब पड़ताल की तो इसी नहर को लेकर के भंवरी का कनेक्शन निकाला था। किस तरीके से आरोपियों द्वारा उसे मारकर जलाने के बाद हड्डियां इसी नहर में डाल दी थी, जो CBI को प्रमाण के तौर पर मिली भी है। लेकिन इस वक्त हम इस पूरे मामले का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 17 में से 16 आरोपी जो हैं वो जेल से छूट चुके हैं हाईकोर्ट से जमानत के बाद। पर ऐसे में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था जिस पर केवल राजस्थान प्रदेश की नहीं बल्कि देश की नज़र थी। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो भंवरी देवी राजस्थानी लोक कलाकार भी थी, उसके अलावा नर्स भी थी, मगर महत्वाकांक्षाएं जो बहुत ज़्यादा पाल ली थी। और ऐसे में जो महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी, MLA बनने के जो ख्वाब थे, इसलिए राजनीतिक लोगों से जो संबंध थे उनको बुनाने की जो कोशिश रही, उसकी परिणति क्या होती है सबके सामने है। लेकिन पूरा का पूरा सच अभी आना बाकी है। अभी सब जमानत हुई है, कोर्ट का आदेश जब आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोड़ा, जोधपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।